हेलो बच्चों, एल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल। तो ये भी चैप्टर बच्चों काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ट्वेल्थ का चैप्टर है, बोर्ड में भी आता है। तो एल्कोहल का क्लासिफिकेशन जैसे एल्काइल हैलाइड में था ना, मोनो, डाई, ट्राई, इस तरह से, तो वैसे यहाँ भी होगा मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, तो जैसे होता है मोनो हो सकता है, है ना, डाई हो सकता है, ट्राई हो सकता है, है ना। तो मोनोहाइड्रिक इसका मतलब है कि एक OH होगा, इसमें क्या होगा, दो OH होगा, इसमें क्या होगा, थ्री OH होगा, ऐसे। ठीक है, तो जैसे ये C2H5OH है, ये जैसे है CH2OH और CH2OH है। ठीक है, तो इसका भी बच्चों कॉमन नेम भी याद रखना है, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन ग्लाइकॉल। और अगर तीन है तो ये ट्राई हाइड्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम कॉमन नेम है ग्लिसरॉल। ठीक है ना, ग्लिसरॉल। उसी तरह अगर बच्चों OH अगर बेंजीन रिंग पे डायरेक्टली अटैच्ड है ना, डायरेक्टली बेंजीन रिंग से कनेक्टेड है, बेंजीन रिंग से, ठीक है ना, OH डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो इसको हम लोग फिनॉल कहते हैं। ये एल्कोहल नहीं होगा, ठीक है ना, कनेक्टेड होगा तो इसे क्या कहेंगे, फिनॉल कहते हैं। और फिनॉल कम्प्लीटली डिफरेंट होता है, ठीक है ना, कम्प्लीटली डिफरेंट, ठीक है ना, होते हैं कौन, फिनॉल और एल्कोहल। तो एल्कोहल फिनॉल बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, तो फिनॉल में भी जैसे है ये मोनोहाइड्रिक है, ठीक है, दो एस लगा दिया तो इसको डाईहाइड्रिक कह सकते हैं, ठीक है, तीन लगा दिया तो इसको ट्राईहाइड्रिक कह सकते हैं। ठीक है, तो एल्कोहल जो होता है कि sp3, है ना, मतलब ये होता है sp3 कार्बन से, ठीक है ना, OH है, तो उसको हम लोग एल्कोहल कहते हैं। और अगर बेंजीन रिंग से है तो उसको हम लोग फिनॉल कहते हैं। ठीक है, तो एलाइलिक एल्कोहल, ठीक है ना, तो एलाइलिक मतलब ये एलाइलिक हो जाएगा, एलाइलिक पोजीशन होता है ना, डबल बॉन्ड के अल्टरनेट वाला, डबल बॉन्ड CH और CH2OH, तो इसको एलाइलिक भी, ऐसे भी है तो ये भी एलाइलिक एल्कोहल है। ठीक है ना, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री भी हो सकता है, तो प्राइमरी कार्बन से अटैच्ड है तो उसको 1 डिग्री कहोगे, सेकेंडरी से अटैच्ड है तो उसे 2 डिग्री कहोगे, और अगर टर्शरी से अटैच्ड है तो उसे 3 डिग्री एल्कोहल कहोगे, है ना, ये सब फंडामेंटल चीज़ हैं। उसी तरह बेंजीन से एक कार्बन लगा हो तो उसको बोलते हैं बेंजाइल एल्कोहल, इसका क्या नाम है, बेंजाइल एल्कोहल। ठीक है, विनाइल एल्कोहल नहीं होता बच्चों, विनाइल एल्कोहल क्या होता है, अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ पे टॉटोमेरिज्म हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या होता है, टॉटोमेरिज्म, विनाइल एल्कोहल आपको नहीं मिलेगा, एलाइल मिल सकता है, बेंजाइल मिल सकता है। ठीक है, तो एल्कोहल का नॉमनक्रेचर बच्चों आपने नॉमनक्रेचर IUPAC में पढ़ा होगा। ठीक है ना, फिनॉल के बहुत सारे आइसोमर्स होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए, इनके नाम पता होना चाहिए। तो अगर, ठीक है ना, ये तो फिनॉल है ही, और अगर दो OH है तो इनके भी नाम होते हैं, ठीक है, तो इसका नाम फिनॉल है, ठीक है, इसका नाम कैटेकॉल होता है, कैटेकॉल, और इसका नाम है
रिसोर्सिनाल, ठीक है, और ये है क्विनॉल या हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। तो ये बच्चों फिनॉल का जो आइसोमर्स हैं, और अगर सी एस थ्री के साथ होता है तो उसको क्रिसॉल कहते हैं, है ना। यहाँ पे OH है तो ऑर्थो क्रिसॉल, ठीक है, मेटा क्रिसॉल और पैरा क्रिसॉल, ये है ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल, ठीक है। और ईथर में क्या होता है बच्चों, ईथर जो होते हैं आर ओ आर डैश होगा, ठीक है, इसमें क्या होता है आर ओ आर डैश, तो आर डैश और आर, है ना, कैन नॉट बी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होगा तो एल्कोहल हो जाएगा, दोनों हाइड्रोजन होगा तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों हम लोग फटाफट प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, सॉरी एल्कोहल। तो एल्कोहल कैसे बनाते हैं, तो एल्कोहल जो है हमने एल्कीन से बनाया था, याद है, फ्रॉम एल्कीन। तो इसमें तीन तरीका होता है बच्चों, है ना, पहला जैसे हाइड्रेशन होता है, ठीक है, दूसरा क्या होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता है, और तीसरा क्या होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। तो मैं जस्ट एग्जांपल ले लूँगा, तो इसमें क्या होता है H प्लस वाटर होता है, ठीक है, इसमें C प्लस और क्या बनेगा रीअरेंज्ड मेंट होगा, इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ, नो रीअरेंजमेंट, है ना, नो रीअरेंजमेंट, इसमें मार्कोनिकॉफ, ठीक है, और नो रीअरेंजमेंट, तो ये है। तो जैसे मान लो अगर ये है सी एस थ्री सी एस थ्री सी एच सी एच डबल बॉन्ड, अब इसको अगर हम लोग तीन तरीके से देखें, एक है एच प्लस ले लिया और वाटर ले लिया, तो कार्बोटाइड बनेगा 2 डिग्री, 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, ये सब करा चुके हैं बच्चों, ईवन वगैरह बहुत सारा हम लोग देख चुके हैं। दूसरा हाइड्रोबोरेशन B2S6 THF, उसके बाद H2O2 और OH-, तो इसमें क्या होगा एंटी मार्कोनिकॉफ वे ऑफ एडिशन होगा, ठीक है, OH और H, ये नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होते हैं, ये आ जाएगा। और अगर हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन HgOAC होल ट्वाइस, ठीक है, और दूसरा क्या लेते हैं NaBH4, तो इसमें क्या होता है मार्कोनिकॉफ वे ऑफ एडिशन विदाउट रीअरेंजमेंट, ठीक है बच्चों। तो ये जो रिएक्शन है ये सब के सब क्या है एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है, तीनों रिएक्शन, ठीक है, तो ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है फ्रॉम कार्बोनिल क्लोराइड कंपाउंड, ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड का क्या करते हैं बच्चों, रिडक्शन करते हैं, ठीक है, तो फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, तो इनका हम लोग बेसिकली क्या करते हैं रिडक्शन करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। कार्बोनिल कंपाउंड जैसे कि एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ठीक है ना, इस टाइप से, या फिर एस्टर हो गया, है ना, ऐसे। तो इनके लिए हम लोग जैसे RCH है, तो यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन है, यहाँ भी RCO और R डैश है, तो रिडक्शन करेंगे इसको OH बनाना होता, ठीक है, तो उसके लिए हाइड्राइड चाहिए या हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अगर हम यूज करते हैं, ठीक है ना, तो एल्डिहाइड जो होगा वो, या जो एल्कोहल हो, मतलब
कीटोन होगा वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है H2PD ले सकते हैं, AlCl4 ले सकते हैं, NaBH4 ले सकते हैं। तो ये जो होता है ये माइल्ड होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये H- देता है, ये भी H- देता है। ठीक है, और इसके अलावा हमने पढ़ा है जिंक अमलगम कॉन्सेंट्रेटेड HCl क्लेमेंसन रिडक्शन, वुल्फ क्रिस्टन रिडक्शन, NH2 और OH-। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा है। जैसे जैसे मान लो ये एल्डिहाइड है, ठीक है, आपने क्या लिया AlCl4, तो ये सिंपली क्या देता है H- ऐसे। ठीक है, तो ये बन जाएगा RCO- H और H, वाटर ले लोगे तो ये जाएगा RCH2OH, ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, तो कई बार इसको लोग बचाने के लिए कुछ और तरीका भी अपनाते हैं। एच माइनस देता है, यहाँ प्लस होगा ना, अगर कार्बोनिल बॉन्ड को तोड़ोगे तो माइनस और प्लस आएगा ना ऐसे। और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना ही तो होता है। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन का जुड़ना जो है वही रिडक्शन है। यहाँ पर क्या आएगा RCO- H और H, और वाटर ले लोगे तो क्या हो जाएगा CH2OH हो जाएगा। ठीक है, RCH2OH ये। तो AlCl4 जो है कहाँ कहाँ काम कर जाएगा, जैसे ROH है, ठीक है ना, RCO R- है, ठीक है, RCO OR- है, ठीक है, RCO OH है, ठीक है, RCO OCO R- सबका, अगर हम सबको अगर हम AlCl4 के साथ कर देंगे, ठीक है, तो हर केस में आपको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा, एवरी केस में एल्कोहल मिल जाएगा। तो यहाँ पे RCH2OH बनेगा, यहाँ पे RCH ये सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे RCH2OH प्लस R-OH ये बन जाएगा, यहाँ भी RCH2OH बन जाएगा, यहाँ पे RCH2, ठीक है, OH प्लस R-CH2OH। तो ये बच्चों बड़ा आसान है, रिमेम्बर रखना, ठीक है ना। तो AlCl4 बहुत ही क्या है, कॉमन है। इसके अलावा अगर RCHO है तो इसमें हम ले सकते हैं H2 और कैटलिस्ट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे H2PD ले सकते हैं, या अगर RCO R- है तो यहाँ भी हम H2PD ले सकते हैं, है ना, जो मेटल कैटलिस्ट लिया था, तो यहाँ भी RCH2H और यहाँ पे RCH, तो रिड्यूसिंग एजेंट लेना होगा बच्चों। ठीक है, अब जैसे क्या होता है ना कि जो AlCl4 होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, ठीक है ना, इसमें याद रखेंगे कि जो AlCl4 होता है वो क्या होता है, कॉस्टली होता है, कॉस्टली होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आपको करना है तो इसमें क्या करते हैं, जैसे RCOH, इसको R-OH, इसको बोलते हैं एस्टरीफिकेशन, क्या बोलते हैं, एस्टरीफिकेशन। इसका हम लोग आगे मैकेनिज्म देखेंगे, ये बन जाएगा RCO OR- हो जाएगा, और इसको फिर हम लोग H2PD के साथ अगर कर देंगे तो यहाँ पे RCH2OH प्लस R-OH ये बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो प्योर है ना एल्डिहाइड और कीटोन है, यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन ले सकते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, जिंक अमलगम हमने ये उसमें पढ़ा है कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ठीक है, तो यहाँ भी सॉरी मैं तो गड़बड़ कर गया, ये तो अल्किन बना देगा ना, इस क्लेमेंसन और वुल्फ क्रिस्टनर तो अल्किन बना देता है। ठीक है ना, ये तो अल्किन बनाता है। ठीक है, तो हमें तो केवल एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। ठीक है बच्चों, सॉरी एल्डिहाइड कीटोन और एसिड से क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। अब देखो इसमें NaBH4 जो होता है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्या होता है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये केवल केवल किसका करता है, केवल एल्डिहाइड कीटोन और एसिड हैलाइड का करता है, एसिड हैलाइड को
ठीक है ना, एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है NaBH4, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लो ये है O है, ठीक है ना, CHO है, अगर हम इसको NaBH4 से करेंगे तो दोनों जो होगा ये भी OH हो जाएगा और ये ही हो जाएगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पे ये है CO है और यहाँ पे COOH है, अब इसको अगर हम NaBH4 से करेंगे तो ये सेलेक्टिव रिडक्शन होगा, केवल ये वाला OH होगा और ये COH रह जाएगा। बट अगर हम इसको LILH4 से करेंगे तो ये दोनों को कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे OH हो जाएगा और यहाँ भी CH2OH, ये मतलब है। तो अगर यह है CH3COCl है, ठीक है, NaBH4 से करेंगे तो CH3CH2OH बन जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब है। अगर यहाँ पे है CO है, ठीक है, COOR- है, इसको अगर हम NaBH4 से करें, ठीक है, तो यहाँ पे OH आएगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा। बट अगर हम इसको LILH4 से कर दें, ठीक है, तो इस केस में फिर से ये दोनों बन जाएंगे। तो ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जो NaBH4 है इसमें बोरॉन और हाइड्रोजन होता है, तो बोरॉन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस होता है वो कम होता है, बट वही एल्युमिनियम और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, ज़्यादा है। ठीक है ना, इसलिए क्या होता है, हमें लिथियम से मतलब नहीं, हम भी यहाँ से, यहाँ पे क्या होता है H- आसानी से निकलता है, आसानी से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है मोर मेटेलिक है एज़ कम्पेयर टू बोरॉन। यहाँ पे H- डिफ़िकल्टी से निकलता है, क्योंकि यहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस है, क्योंकि क्या है, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस, तो जहाँ पे लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस होगा, ठीक है ना, इसलिए NaBH4 माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है, वेर जो LiLH4 होता है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, अगला है बच्चों फ्रॉम ग्रिगनार्ड रीजन, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रीजन। तो जो ग्रिगनार्ड रीजेंट होता है इसका क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, ठीक है ना, RMGX होता है, माइनस और प्लस, है ना, तो जैसे यह है CH3MGX माइनस और प्लस, ये मेटल है तो मेटल पे प्लस आएगा, और ये वाला जो है वो क्या है, नॉन मेटल है तो नॉन मेटल पे माइनस आएगा। ठीक है, तो जो CH3MGX होता है ये क्या होता है, ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और साथ में एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है बच्चों, तो आपको हमने शुरू में बताया था जहाँ पे भी मल्टीपल बॉन्ड होता है, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे सी डबल बॉन्ड O है, सी डबल बॉन्ड C है, सी ट्रिपल बॉन्ड C है, सी ट्रिपल बॉन्ड N है, है ना, तो मल्टीपल बॉन्ड वाले क्या देते हैं, वाले एडिशन रिएक्शन देते हैं, क्या देते हैं, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि एक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रीजन, है ना, एक्शन ऑफ ग्रिगनार्ड रीजन ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है स्पेशली, वो एल्डिहाइड हो सकता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इन्हीं पर रिएक्शन करता है, एल्डिहाइड, कीटोन या एसिड हैलाइड या एस्टर, ठीक है ना, या एनहाइड्राइड, तो ये जो होते हैं ये कार्बोनिल कंपाउंड है। अब तुम कहोगे सर कार्बोक्सिलिक एसिड भी तो है, यस वो है, बट उसके साथ एसिड बेस रिएक्शन हो जाता है ना, तो ये जो OH ले लोगे तो ये RMGX से ये एसिड बेस रिएक्शन कर जाता है, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन नहीं हो पाता है। ठीक है ना, ये तो जहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन उस टाइप से नहीं है उसके साथ इसका क्या होगा, एडिशन होगा। तो जहाँ भी C डबल बॉन्ड O होता है बच्चों, यहाँ देखो प्लस चार्ज होगा, यहाँ पे माइनस चार्ज होगा, यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है ना, मल्टीपल बॉन्ड है, ठीक है, और कार्बन पर क्या है, डेल्टा प्लस ज़्यादा है,
ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल के लिए है ना, न्यूक्लियोफाइल के लिए क्या है, बहुत अच्छा प्लेस है, बहुत अच्छा क्या है, अटैक साइट ऑफ अटैक, साइट ऑफ अटैक, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब जैसे अब देखो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, तो इसको अगर तोड़ोगे तो क्या आएगा, सी ओ माइनस और प्लस। अब जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो यही किससे आएगा, इसी से, इसको ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो जिससे जुड़ेगा ऐसे आ गया सी, और यहाँ पे ओ माइनस और यहाँ पे एन, है ना, तो इसको ऐसे तुमने जोड़ दिया तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर मान लो हमारे पास सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ है, अब किसी ने कहा चलो सी एस थ्री एम जी एक्स का रिएक्शन कराओ, तो माइनस प्लस ये यहाँ पे प्लस आएगा, पाई बॉन्ड टूट जाएगा, वीक होगा, क्या आएगा सी एस थ्री ओ माइनस और सी एस थ्री, ठीक है। और यहाँ पे एच, अब ये एम जी एक्स है, ये तो सॉल्ट है, इसको हटा दो, बस इसमें पानी डाल दो, तो क्या हो जाएगा सी एस थ्री सी ओ एच सी एच और सी एस थ्री, देखो एल्कोहल बन गया, ठीक है। तो ग्रिगनार्ड रिएजेंट का एक्शन, जैसे फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है, ओ है, एच है, प्लस क्या ले लिया सी एस थ्री एम जी सी एल ले लिया, माइनस और प्लस, ठीक है, तो माइनस और प्लस ऐसे आएगा, तो ये इस पे अटैक कर जाएगा, यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ऐसे, तो यहाँ पे क्या होता है एच सी ओ माइनस, और इधर यहाँ पे क्या आएगा सी एस थ्री। अब ये एम जी एक्स से कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, अब इसमें केवल क्या कर दोगे, वाटर ऐड कर दोगे, क्या आएगा सी यहाँ पे ओ एच एच और सी एस थ्री, मतलब इसको क्या लिख सकते हो सी एस थ्री सी एस टू ओ एच, ये है, ठीक है। हमेशा न्यूक्लियोफाइल को ऐड कराना है, जैसे ये है कहा कि इसको सी एस थ्री एम जी सी एल से करा दो, ठीक है, तो ये सेम यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ माइनस, पोलैरिटी दिखा लोगे बच्चों तो रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पे सी एस थ्री आएगा एम जी सी एल आएगा, ठीक है। और इसमें क्या ले लो, पानी डाल दो एच टू ओ, तो यहाँ पर क्या आएगा ओ एच आ जाएगा और सी एस थ्री, तो इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल लिया, ठीक है, जैसे मान लो फॉर्मल्डिहाइड ले लिया, तो ये हमेशा क्या बनाएगा प्राइमरी एल्कोहल, और यहाँ पर ले लिया सी एस थ्री सी एस टू एम जी सी एल पहला, और दूसरा क्या है एच टू, तब क्या बन जाएगा सी एस थ्री सी एच टू सी एच टू ओ एच, ये बन जाएगा। मैकेनिज्म लिखना होगा, फिर से लिख लो सी एस थ्री सी एच टू एम जी सी एल माइनस प्लस प्लस सी डबल बॉन्ड ओ एच और एच, ये माइनस वाला इस पर अटैक करेगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा, क्या आएगा इसको हम ई टी लिख दें, तो ई टी सी ओ माइनस सी एच टू, ठीक है। और इसमें क्या कर दो, पानी डाल दोगे बस, तो क्या आएगा ई टी सी एच टू ओ एच, ये आ गया, तो एन प्रोपाइल एल्कोहल बन जाएगा। अब जैसे मान लो कि ये है ना, यहाँ पे सी एल है, इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करा लो पहला, और दूसरा क्या ले लो फॉर्मल्डिहाइड ले लो, तो क्या बनाओगे, तो बन जाएगा इसमें बेंजाइल एल्कोहल, बताओ ये कैसे बना। सेम देखो, अब इसको तो मैग्नीशियम से कराओगे तो क्या बन जाएगा पी एच एम जी एक्स माइनस और प्लस, अब प्लस फॉर्मल्डिहाइड ले लोगे, ठीक है, तो ये माइनस वाला इस डेल्टा प्लस पे अटैक कर जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा पी एच सी ओ माइनस एच एच और एच, पानी ले लोगे क्या बन जाएगा पी एच सी एच टू ओ एच बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है। अब उसी प्रकार बच्चों, अगर कीटोन है सी ओ सी एस थ्री है, ठीक है, प्लस सी एस थ्री एम जी सी एल ले लो, ये इस पर अटैक करेगा प्लस और माइनस ऐसे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा सी एस थ्री सी ओ माइनस सी एस थ्री और सी एस थ्री एम जी एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या कर लोगे, वाटर ले लो, ठीक है, तो ये आ जाएगा ओ एच सी एस थ्री टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर यह एसिड हैलाइड रहेगा सी एस थ्री सी ओ सी एल, ठीक है, प्लस सी एस थ्री, अब इसमें दो मोल रिएक्ट करेगा माइनस और प्लस, ये ऐसे जाएगा है ना, क्या आएगा सी एस थ्री सी ओ माइनस सी एस थ्री। अब देखो ये इंट्रा मॉलिकुलर एस एन टू रिएक्शन हो रहा है, एस एन आई, ठीक है,
ये क्या बन जाएगा, ये कीटोन बन जाएगा, फिर से ये सी एच थ्री आ जाएगा, फिर दोबारा मॉलिक्यूल रिएक्ट कर जाएगा एम जी सी एल, ये आएगा तो फाइनली टर्शरी ओ माइनस सी एच थ्री सी एच थ्री, और पानी ले लो ठीक है, तो ये बन जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, समझ गए। तो आप एल्डिहाइड अगर फॉर्मल्डिहाइड लोगे जैसे एच सी एच ओ, और यहाँ पे सी एच थ्री एम जी सी एल लिया, दूसरा वाटर, तो क्या बनाओगे, बस सी एच थ्री सी एच टू एच हो जाएगा। ठीक है, तो प्राइमरी एल्कोहल इससे बनेगा। अगर एसिटल्डिहाइड ले लोगे ठीक है, तब इसमें जैसे मान लो पी एच एम जी एक्स ले लिया, दूसरा वाटर ले लिया, तो अब क्या होगा, यह आ जाएगा सी एच थ्री सी एच ओ एच, और यहाँ पे पी एच आ जाएगा, ये सेकेंडरी एल्कोहल आ जाएगा। कीटोन ले लोगे है ना, कीटोन, तो इसका अगर हम पी एच एम जी एक्स ले लेते हैं ठीक है, पी एच एम जी एक्स माइनस प्लस, तो इस केस में क्या होगा, सी ओ एच सी एच थ्री और पी एच, ये टर्शरी बन जाएगा। ठीक है, अगर ये लोगे एसिड हैलाइड ले लोगे ठीक है, तो यहाँ पे दो मोल रिएक्ट होगा, दो मोल आर एम जी एक्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टर्शरी बन जाएगा सी एच थ्री आर आर और ओ एच। एस्टर लोगे सेम टाइप ऑफ है ना, ओ आर डैश, टू मोल एम जी एक्स ले लोगे आर एम जी एक्स। ठीक है, यहाँ पे सी एच थ्री सी ओ एच और आर ये बन जाएगा। ठीक है, तो इन दिस वे यू कैन प्रिपेयर फिनॉल, सॉरी यू कैन प्रिपेयर एल्कोहल। तो रिडक्शन से कर सकते हैं और अल्कीन से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल, तो बच्चों डाउस प्रोसेस हम लोगों ने कर लिया है। तो पहला है डाउस प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या आता है कि क्लोरो बेंजीन से क्या बनता है, से फिनॉल बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्लोरो बेंजीन है और NaOH लिया रहता है कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर, तो ये यहाँ पे OH बन जाता है। और यहाँ पे क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर के कारण ठीक है, रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, इस कारण से है ना, इसलिए क्या होता है बच्चों, विगरस कंडीशन, इसलिए विगरस कंडीशन या रिएक्शन कंडीशन रिक्वायर्ड। ठीक है, सेकंड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो बेंजीन जो होता है इसको अगर ओलियम से रिएक्ट करा देते हैं, बताया था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसको NaOH के साथ फ्यूज, मतलब माल्टेन NaOH, माल्टेन NaOH के साथ इसको रिएक्ट करा दोगे तो, और बाद में तो यहाँ पे आ जाएगा O माइनस, और इसमें H प्लस डाल दोगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ठीक
ठीक है। अगला है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट, तो ये भी हमने बच्चों अभी मैकेनिज्म में प्रीवियस वीडियोस में किया हुआ। अल्काइल हेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उसको आप जितनी बार देख लें है ना, कई बार देखो वीडियो, कई फ़ायदा है। एक बार नहीं आया तो 10 बार रिपीट करके देखो, आ ही जाएगा, ठीक है ना। तो इसके साथ ये क्या आएगा, डाइजोनियम सॉल्ट आ जाएगा। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, सिंपल पानी डाल देंगे, N2+Cl-, ये फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो ये रिएक्शन वहाँ भी था बच्चों। अगला जो है फ्रॉम क्यूमीन, ठीक है, ये बच्चों मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, IIT एडवांस में कई बार आ चुका है। तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन कहते हैं, ठीक है ना। ये है CH CH3, तो ये है आइसोप्रोपाइल बेंजीन और इसी का नाम है क्यूमीन, इसको और भी क्या बोलते हैं, क्यूमीन। तो इसको अगर हम एयर के साथ रिएक्ट कराते हैं और उसके बाद फिर H+ और हम वाटर ले लेते हैं, तो यहाँ पर फिनॉल बन जाता है। ये इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन होता है, ठीक है बच्चों। दिस इज इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें होता है क्या है कि ऑक्सीजन जो होता है ना बच्चों, वो डाई रेडिकल होता है ना। O2 लिखते हो ना, σ1S2, σ*1S2, σ2S2, σ*2S2, उसके बाद σ2PZ, 2π2PX, π2PY, ठीक है। उसके बाद π*2PX1, π*2PY1। तो इसमें क्या होता है बच्चों, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, 2 अनपेयर्ड, तो एक्ट एज डाई रेडिकल, एक्ट एज डाई रेडिकल। तो यहाँ पे क्या होता है ना बच्चों, ये सीधा ऐड हो जाता है ना, C CH3 CH3, O और H, ऐसे बन जाता है, है ना। मतलब ये जो CH है ना, इधर Me है, इधर Me है और O2 है, इसको ऐसे समझ लो इस टाइप से, ये बीचों में है ना, यहाँ पे है ऐसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ इंसर्ट हो जाता है और ये फिनाइल है, ठीक है। तो ये बन जाएगा MeC, यहाँ पे PH Me, ठीक है। ये दोनों में अपना जगह बना लिया, ऐसे और ऐसे। तो इसको बोलते हैं क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड, क्या बोलते हैं, क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड, ठीक है। इसमें जैसे ये एच होता है ना, तो H है तो इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ऐसे मान लो, O और O है, तो इसके पास ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहाँ भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके साथ पेयरिंग कर लेगा और इसके साथ पेयरिंग कर लेगा और ये बीचों बीच चला जाएगा। ये कार्बन से साथ है ना, ये 1 है और ये 2 है, तो ये 1 वाला कार्बन के साथ जुड़ गया, 2 वाला हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया, है ना। इसको ऐसे समझ लो, MeC Me, और यहाँ पे फ्री रेडिकल और H फ्री रेडिकल, ऐसे समझ लो, O और O, ऐसे और ऐसे, 2 अनपेयर्ड है, ये इसके साथ जुड़ गया और ये इसके साथ जुड़ गया, ठीक है बच्चों। तो हमने फिर से हम बात कर लेते हैं, तो अगर ये क्यूमीन है, ठीक है, यहाँ पे H है, ये Me है और ये Me है, अगर इसको हम O2 जो कि एयर में है इसके साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, इस वजह से ये Me और O और H। अब इसमें हम क्या कर देंगे, मतलब H+ डाल देंगे, ठीक है। तो H+ डाल दोगे तो यहाँ पे ये Me, ठीक है, और यहाँ पे OOH2+ हो जाएगा, ठीक है। अब हमने बताया था ना, माइग्रेशन हाइड्रोजन होता है, फिनाइल होता है, उसके बाद एल्काइल होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये ग्रुप यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा और ये भाग जाएगा, H2 क्या हो जाएगा, गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा, ये भाग गया, ठीक है बच्चों। हमेशा वीडियो देखना है, सिस्टमेटिक देखना है, शुरू से देखना है, बीच में कूदने की कोशिश करोगे कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ देखो जाएगा MeC, यहाँ पे Me, यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, प्लस आ जाएगा और यहाँ पे O के साथ ये बेंजीन आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद क्या कर लो, H2O ले लो, ठीक है, तो जो गया है वापस आएगा,
एम ई सी एम ई यहाँ पे ओ एस टू प्लस इधर ओ, ठीक है। अब इसका क्या होगा, प्रोटॉन एक्सचेंज हो गया, ये हो गया एम ई सी एम ई, इधर है ओ एच, ओ एच प्लस तो ये हो गया एम ई सी एम ई, इधर है ओ एच, इधर ओ एच प्लस, इधर क्या है पी एच, ऐसे, ठीक है। तो अब ये बच्चों निकल जाएगा ऐसे, यहाँ पे क्या बन गया सी एस थ्री, दादा पिनाकोल वहाँ पे ऐसे ही होता था, तो ये हो जाएगा ओ एच। ये बच्चों है इसका मैकेनिज्म फिनॉल का। तो क्यूमिन से फिनॉल, ये होता है एयर और एच प्लस डाल दोगे तो फिनॉल बन जाएगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल है ये, बहुत बहुत क्या है बच्चों, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही होते हैं बच्चों मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल, ठीक है ना। तो फिनॉल और अल्कोहल का हमने देख लिया है, अब उसी तरह हम लोग बात कर लेंगे बच्चों प्रिपरेशन ऑफ ईथर, है ना। ईथर का जो प्रिपरेशन है वो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं, तो देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो पहला जो होता है कि फ्रॉम अल्कोहल, है ना, तो जैसे बच्चों हमने डिहाइड्रेशन पढ़ा था ना, जैसे मान लो ये है सी एस थ्री सी एच टू ओ एच, अगर हम इसको टेम्परेचर बस अलग अलग होता है, ठीक है ना, अगर हाई टेम्परेचर होता है, ठीक है ना, तो 443 केल्विन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और 413 केल्विन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो यहाँ पे तो अल्किन बन जाता है ना E1 रिएक्शन से, और इस वाले में ईथर बन जाता है। तो अगर लो टेम्परेचर रहेगा तो ईथर बन जाएगा, हाई टेम्परेचर होगा तो अल्किन बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये होता है सी एच थ्री सी एच टू, यहाँ पे ओ एच, इसमें एच प्लस डालोगे तो क्या आएगा सी एच थ्री सी एच टू ओ एच टू प्लस, ठीक है। अब इससे ये निकल जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा सी एच थ्री सी एच टू प्लस, अब ये जो ये है ना सी एच थ्री सी एच टू ओ एच, ठीक है, ये इस पे जाके अटैक कर जाएगा और यहाँ पे क्या बना लेगा ईथर बना लेगा प्लस और सी एच टू सी एच थ्री, ये इसका क्या है बच्चों मैकेनिज्म है, ठीक है। अगला हम लोगों ने विलियमसन सिंथेसिस पढ़ लिया है ना, एक बार फिर से देख लेते हैं विलियमसन सिंथेसिस, है ना, हमने एल्काइल हैलाइड में डिटेल में सब कर लिया है। तो इसमें क्या होता है आर एक्स होता है, ठीक है ना, प्लस आर ओ माइनस के प्लस होता है, और इसके बाद ये आर ओ या आर डैश लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल होता है, ये सबस्ट्रेट होता है, ठीक है। तो इस पे ये SN2 रिएक्शन करता है, SN2, तो बैक साइड से करता है, बैक साइड से क्यों करता है कि उसके एंटी बॉन्डिंग में आना है। तो यहाँ पे ये 1 डिग्री है ना, आर एक्स को क्या होना चाहिए 1 डिग्री होना चाहिए, तभी SN2 होगा। अगर 3 डिग्री 2 डिग्री हो जाएगा तो E2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस यही होता है, तो जैसे मान लो CH3CH2O है, ठीक है ना, माइनस और Na प्लस है, प्लस यहाँ पे CH3Cl है, ठीक है। तो ये रिएक्शन क्या होगा, बड़े आराम से हो जाएगा। तो जिस पे रिएक्शन होना है, जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, वो 1 डिग्री बस होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इसका हम लोग रिएक्शन बहुत ही डिटेल में पहले भी कर चुके हैं। अब जैसे मान लो कहा कि अगर ये आपको ईथर बनाना है, है ना, ये ईथर बनाना है, तो आर एक्स क्या होगा और आर डैश ओ एन ए क्या होगा, बता सकते हो। तो वही हमने कहा कि आर एक्स यहाँ पर क्या ले लोगे,
सी एस थ्री आई ले लोगे, और आर डैश ओ एन ए क्या ले लोगे, वो ये ले लोगे सी एस थ्री सी एस थ्री। न्यूक्लियोफाइल कैसा भी हो, बड़ा हो छोटा हो कोई फर्क नहीं, लेकिन जो जिस पे एस एन टू रिएक्शन होने वाला है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 डिग्री, या मिथाइल है तो वो क्या होगा, बेस्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग आ जाते हैं बच्चों सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बात करेंगे अल्कोहल की, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल में बच्चों देखोगे तो यहाँ पे है ना OH होता है ना, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, ये सबसे ज़्यादा होता है, अल्किन से भी ज़्यादा होगा, मतलब अल्किन से भी ज़्यादा होगा, अल्काइन से भी ज़्यादा होगा, ठीक है, अल्काइल हैलाइड से भी ज़्यादा होगा, ऑफ सिमिलर मोलर मास है ना, मतलब मोलर मास में डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सिमिलर मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अल्कोहल की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वो ये है, ठीक है। तो बॉइलिंग हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे होता है, इसलिए इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है। सेम चीज़ बच्चों फिनॉल में भी होता है ना, फिनॉल में भी यहाँ भी ये OH इस टाइप से ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो फिनॉल और एल्कोहल में क्या होता है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, बिकॉज इसमें क्या होता है, इंटर मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जबकि ईथर में ऐसा नहीं होता है ना, ईथर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ईथर में जैसे आर ओ है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, नो हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ईथर और एल्कोहल भी अगर कंपेयर करोगे तो एल्कोहल की मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, और ये पानी में सॉल्युबल भी होते हैं ना, एल्कोहल जो होते हैं पानी में सॉल्युबल होते हैं, और अगर मॉलिकुलर मास बढ़ाते जाओगे है ना, नॉन पोलर पार्ट बढ़ता जाएगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होता जाएगा, घटता चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें ये होगा कि वाटर में, ठीक है ना, एल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अब जैसे है बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग है ना क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, बना लेते हैं इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो एक है पेंटेन वन ऑल, बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है, पेंटेन वन ऑल, ब्यूटेन वन ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, इथेनॉल, प्रोपेन वन ऑल और मिथेनॉल, ठीक है बच्चों। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो होगा, देखो कार्बन सबसे ज़्यादा पेंटेन में है, ठीक है ना, तो सबसे ज़्यादा पेंटेन का हो जाएगा, पेंटेन वन ऑल सबसे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ब्यूटेन वन ऑल हो जाएगा, ठीक है, ब्यूटेन वन ऑल, उसके बाद ब्यूटेन टू ऑल, क्योंकि इसमें ब्रांच हो गया ना ये, फिर उसके बाद आएगा प्रोपेन, प्रोपेनॉल दिया हुआ है, तो उसके बाद आ जाएगा प्रोपेन, ठीक है, वन ऑल, उसके बाद आएगा इथेनॉल, उसके बाद आएगा सबसे कम कौन है, मिथेनॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पेंटेन वन ऑल, पेंटेन वन ऑल है, उसके बाद एन ब्यूटेन है, उसके बाद है पेंटेनल है, पेंटेनल है, ठीक है, पेंटेनल है,
और इथॉक्सी इथेन है, तो इथॉक्सी इथेन है ठीक है। सबसे ज़्यादा इसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें क्या होगा डाइपोल, डाइपोल होगा, इसमें वीक डाइपोल होगा। तो सबसे ज़्यादा जो होगा ये, अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, सबसे ज़्यादा ए हो जाएगा, उसके बाद सी हो जाएगा, फिर डी हो जाएगा, फिर बी हो जाएगा ठीक है। तो ये बच्चों फंडामेंटल बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये सब बोर्ड के एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो आपको इस तरह से पढ़ना है कि हर जगह आप सक्सेसफुल हो जाएं ठीक है ना, कहीं भी पीछे ना। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल। तो एल्कोहल में बच्चों दो प्रकार के बॉन्ड ब्रेक हो सकता है, यहाँ पे ब्रेक हो सकता है ठीक है, यहाँ पे ब्रेक हो सकता है ठीक है। और अगर ऐसा कुछ है जैसे बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो तो आपको हम पढ़ ही लिए हम लोग है ना ठीक है, यहाँ पे हो सकता है। तो ये वाला अगर जाएगा तो ये तो क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है ना, एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसको हम सोडियम पोटेशियम RMgX ठीक है ना, एल्युमिनियम जिंक इन सब से अगर रिएक्ट कराएंगे तो वो दे देगा ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एल्कोहल कंटेन्स एसिडिक और एक्टिव हाइड्रोजन ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, जैसे हमने लिया ROH सोडियम के साथ, तो क्या बनाओगे, RO-Na+ + 1/2 H2 बन जाएगा। अगर ये है, इसको एल है ना एल्युमिनियम के साथ करा दें ठीक है, Al ठीक है, तो एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है ठीक है, तो 3 इसका निकल जाएगा। तो CH3 CH3 O होल थ्राइस Al+3/2 H2 ये आ जाएगा। सेम चीज़ अगर फिनॉल के साथ भी करते हैं, एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक क्या होगा बच्चों, फिनॉल होगा क्यों होगा, क्योंकि फिनॉल में क्या होता है, OH पे ज़्यादा प्लस होता है, क्योंकि इसका लोन पेयर रेजोनेंस में होता है, और ROH में तो ऐसा कुछ है नहीं, इनफैक्ट ये प्लस आई लगाता है ठीक है। तो ये मच स्ट्रॉन्गर एसिड होता है ठीक है एज़ कम्पेयर टू दिस। मतलब एल्कोहल जो होता है, जैसे जैसे मान लो ये CH3 CH2 OH + NaOH, अगर इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बहुत ज़रा सा रिएक्शन कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, मतलब ये रिएक्शन फिजिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे CH3 CH2 O- Na+ + वाटर ठीक है। तो ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्गर बेस है, और ये वाला वीकर बेस है। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वीकर बेस स्ट्रॉन्ग बेस को रिप्लेस कर देगा, ऐसा नहीं होगा ठीक है ना। बट फिनॉल जो होगा वो NaOH के साथ रिएक्ट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसके पास ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होता है, क्योंकि एच प्लस देने के बाद जो फिनॉक्साइड आयन होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है ठीक है। यहाँ का ये एसिड है और इधर का ये एसिड है, तो वाटर और फिनॉल में ये स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो स्ट्रॉन्गर एसिड ऑलवेज रिप्लेस टू वीकर एसिड है ना, ये वीकर एसिड है ये है। अब एल्कोहल के एसिडिक में क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक जो होगा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री होगा है ना। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि 1 डिग्री में कम प्लस आई लगेगा, 2 डिग्री में ज़्यादा प्लस आई लगेगा, और 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा प्लस आई लगेगा। प्लस आई लगेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, तो ए बी और सी ठीक है। यहाँ पे प्लस आई मैक्सिमम है, प्लस आई यहाँ पे मिनिमम है,
इसीलिए जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ ए सबसे ज़्यादा, फिर बी, फिर सी, फिर ए, ठीक है। ये सब एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं बच्चों, वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। फिनॉल भी एसिडिक होता है, ठीक है ना, हमने बता दिया, क्योंकि वहाँ पे रेजोनेंस का रूल होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है बच्चों एस्टरीफिकेशन। नेक्स्ट है एस्टरीफिकेशन, ठीक है। तो एस्टरीफिकेशन जो होता है, जैसे आर सी ओ एच एसिड हो, या फिर एसिड हैलाइड हो, या फिर एनहाइड्राइड हो, ठीक है। इन सब के साथ अगर हम एल्कोहल या फिनॉल, ठीक है ना, एल्कोहल या फिनॉल, एल्कोहल या फिनॉल किसी के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, एस्टर बनता है। तो दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन, ठीक है ना। तो इसमें जो होता है कि एल्कोहल एल्कोहल या फिनॉल के पास क्या होता है, लोन पेयर, ठीक है ना, के पास क्या है, लोन पेयर है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो और यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, ये है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है, ऐसे यही होगा। तो जैसे मान लो हमने लिया आर ओ एच, और यहाँ पे ले लिया सी एस थ्री सी ओ ओ एच, ठीक है, एसिडिक मीडियम में, तो ये इस पर अटैक करता है और ये ऐसे भाग जाता है। यहाँ पे क्या आएगा, सी एस थ्री सी ओ माइनस ओ एच, और यहाँ पे ओ एच प्लस, ठीक है। और मतलब कुल मिला के तुमको ये समझना है कि आर सी ओ ओ एच प्लस एच ओ आर डैश, ठीक है, अगर एसिडिक मीडियम में लोगे तो इसका ओ एच और इसका एच ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आर सी ओ ओ आर डैश, ऐसे एस्टर बनता है। और इसका जो मैकेनिज्म है वो इसी प्रकार से होता है, आर सी ओ ओ एच, इसमें थोड़ा एच प्लस ले लेते हैं, आर सी ओ ओ एच प्लस, अब इस पर जो होगा आर डैश ओ एच, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और इस पर ये भाग जाएगा, आर सी ओ ओ एच और ओ एच और ओ एच आर यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब इसका प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा ऐसे, आर सी ओ एच, यहाँ पे ओ एच की जगह ओ हो चुका है, ठीक है, आर, और यहाँ पे क्या है ओ एच टू, इसको भगा दें, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो कोई सा भी ऐसा रहेगा, जैसे मान लो सी एस थ्री ओ सी एल है, प्लस मान लो हमने फिनॉल ही ले लिया, ठीक है ना, ओ एच, ये इस पर अटैक करेगा पहले, तो डोनर पे प्लस आएगा, एक्सेप्टर पे माइनस, यहाँ पे सी एल, ठीक है, ऐसे ये वापस आएगा, ये निकल के भाग जाएगा, क्या हो गया, सी एस थ्री सी ओ ओ और एच सी एल निकल गया माइनस, ठीक है। तो ये देखो एस्टर बन रहा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टरीफिकेशन कहते हैं, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एस्टरीफिकेशन। अब इसका एक यूज होता है बच्चों, जैसे ये है, इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, है ना, इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड,
अगर हम इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करते हैं, यहाँ पे देखो ये है, ये इस पे एस्टरीफिकेशन करेगा, तो इस केस में यहाँ पे सी ओ एच ओ एच प्लस, ठीक है, सी यहाँ पे सी एस थ्री है, ओ माइनस है, ओ सी ओ सी एस थ्री, ठीक है। अब ये वापस आएगा, इसको भगा देगा और वहाँ से एच प्लस भी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, सी ओ एच और इधर ओ सी ओ सी एस थ्री प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, सी एस थ्री सी ओ एच। तो इसको हम लोग बोलते हैं जो एस्पिरिन है, ये एनाल्जेसिक्स होता है, ये पेन किलर होता है, ठीक है। तो एस्पिरिन है ना, ये बनता है। तो ये इसका, ये कई बार आ चुका है जेई मेंस में, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ हेलोजन, है ना। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ एच एक्स, बताया था, पढ़ चुके हैं हम लोग, है ना। इसी में ल्यूकस टेस्ट भी आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, आर ओ एच, यहाँ पे एच एक्स लेते हैं, क्या बनता है, आर ओ एच टू प्लस, एक्स माइनस कर देता है, ये क्या बन जाता है, आर और एक्स, ये टर्बिडिटी आ जाती है। और एनहाइड्रस जेड एन सी एल टू प्लस कॉन्सेंट्रेटेड, इस पर हमने बहुत सारे क्वेश्चन किया है, इसका नाम क्या है, ल्यूकस रीजेंट, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये क्या देते हैं, टर्बिडिटी, है ना, ये इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, ठीक है। और ये 5 to 10 मिनट में देता है, और ये लॉन्ग टाइम में देता है या ऑन हीटिंग, ये बहुत बहुत क्या है बच्चों, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी हम लोग देख चुके हैं रिएक्शन विथ क्या, पी सी एल फाइव, पी सी एल थ्री, पी आई थ्री, पी बी आर थ्री, ठीक है, एस ओ सी एल टू, सब में यही होगा। जैसे अगर आपने आर ओ एच ले लिया, पी सी एल फाइव के साथ क्या होगा, पी सी एल थ्री के साथ क्या होगा, पी बी आर थ्री के साथ क्या होगा, पी आई थ्री के साथ क्या होगा, एस ओ सी एल टू के साथ क्या होगा, सब जगह यहाँ पे हेलोजिनेट हो जाएगा। इसको हमने बताया है एस एन आई रिएक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इन्वर्जन होता है, इन्वर्जन, ठीक है। ये भी क्या होता है, एस एन आई, बाकी सब क्या होते हैं, एस एन टू, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन तो बहुत डिटेल में पढ़ा है, ईवन रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, आर सी एच टू, सी एच टू ओ एच कॉन्सेंट्रेटेड एच टू एस ओ फोर के साथ हीट करते हैं, यहाँ पे एल्किन बनता है, यहाँ पे सी प्लस बनता है, ईवन होता है, रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये हमने हाइड्रोकार्बन में भी किया है और एल्काइल हैलाइड में भी किया हुआ है, ठीक है। तो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ये सब हम लोग ऑलरेडी क्या है बच्चों, कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे।